क्या विधान जी, क्या कहेंगे आप? मैं तो सबसे पहले आप लोगों को, जितने भी मैथिली देखने वाले, मैथिली सुनने वाले दर्शक हैं, उनको मैं नमस्कार करता हूं। और जहां तक मैथिली फिल्म के लिए, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, हमारा जो मातृभाषा है मैथिली, हमने पहले से ही प्लान किया हुआ था जब पहली फिल्म बनाएंगे, वो हमारा फिल्म जो होगा मैथिली। बनाने का रीज़न यही था क्योंकि हम लोग बहुत दिनों से, आज 15 साल से मुंबई में रह रहा हूँ, मैथिली का कोई इंडस्ट्री नहीं है, मैथिली का कोई फ्यूचर नहीं रहता है, मैथिली कलाकार यहाँ पे बहुत ही रोज़गार के लिए बहुत ही भटकते रहते हैं। हम लोग ने बहुत दिनों से सोचा जो कुछ ऐसा हो जो मैथिली लोगों का, मैथिली वाले का भी ये भलाई हो, लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा था। तो मैंने प्लान किया था बहुत पहले, जिस दिन मैं कैपेबल होऊंगा या फिल्म बना सकता हूँ तो पहली फिल्म मैथिली बनाऊंगा, उसमें भी वो फिल्म जो इंसानियत से, मतलब आज के जो टाइम पे एक इंसानियत को जो मैसेज दे, हिंदू मुस्लिम या जो भी, प्यार के लिए या तो अपना हॉनर किलिंग होता है, ये सब पे जो हो रहा है, जो हर आदमी परेशान है, उससे रिलेटेड जो कहानी था उस पर हमने ये फिल्म बनाया हुआ है। ख़ास करके एक तो मैथिली का इसे ग्राफ भी बढ़ेगा और बाकी एक मैसेज, बहुत बड़ा मैसेज है इसमें, जो आप ये फिल्म देखने के बाद एटलीस्ट जो आपके मन में जो भी नफरत है दूसरे जाति के प्रति और दूसरे धर्म के प्रति, वो लगभग बहुत हद तक ख़त्म हो जाएगी। वेदांत जी, आप कितना संतुष्ट हैं अपने डायरेक्टर से? मैं अपने डायरेक्टर से, एक्चुअली मैं इनसे पहले, फिल्म से पहले तो मैं इनको जानता नहीं था, कुणाल जी ने मेरा इनका परिचय करवाया। तो पहले मुझे जो पता था ये एक राइटर हैं, तो मुझे थोड़ा डाउट हो रहा था, तो पता नहीं कैसे डायरेक्टिंग करेंगे, लेकिन जब मैंने इनका डायरेक्शन देखा तो मुझे लगता है मैंने आज तक ये रीजनल मूवी में जितने, एक तो अच्छे इंसान बहुत है, ये बहुत अच्छे इंसान है, ईमानदार है, लॉयल हैं, और डायरेक्टर मैंने इनका जो काम देखा अभी, मुझे ऐसा लग रहा है जो मैं ज़िंदगी में जितना भी फिल्म बनाऊँ इनके साथ ही फिल्म बनाऊँ, बहुत ही अच्छा काम किया है। वो तो जब आप फिल्म देखेंगे या जब दर्शक देखेंगे तो उनको पता चलेगा कितना अच्छा फिल्म बनाया है इन्होंने, कितना ईजिली कोई भी हार्ड काम करवा लेते हैं, बहुत अच्छा है, कभी चेहरे पे इनका उदासी नहीं आती है, किसी को तकलीफ़ नहीं देते हैं, तब डायरेक्टर फिर ज़्यादा बड़ा एक अच्छे इंसान है। तो ठीक है, नया फिल्म के लिए साइन कर लीजिए फिर। हाँ जी, हम लोग प्लान कर रहे हैं और 2 फिल्म बनाएंगे, तो ये फिल्म खत्म होते ही हम लोग का 2 फिल्म पे और काम चल रहा है। क्या प्लानिंग है और कब रिलीज कर रहे हैं सिनेमा को? रिलीज हम लोग अप्रैल एंड में करेंगे, समर वेकेशन में। और दूसरी बात, हम जो है इसको अभी जो मिथिला से रिलेटेड जितने भी, जैसे अभी देखिए सहरसा सुपौल से सुनील छैला बिहारी जी है, हम लोग उनको भी अप्रोच करने वाले हैं ये फिल्म से जुड़ने के लिए, जो हम मैथिली फिल्म के लिए एटलीस्ट हम उनको गाना नहीं गवा पाए क्योंकि गाने का ऐसा मूड था नहीं जो वो गाते हैं, तो फिर भी हम लोग उनसे मिलने वाले हैं। फिर हम लोग दिल्ली जा रहे हैं, पप्पू यादव जी से हम लोग का प्लान है, जो उनसे मिल के उनको फिल्म दिखाएंगे, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे वो हमारे साथ चले बिहार और जाके पब्लिक के, मैथिली लोगों से बोले कम से कम ये फिल्म देखे, मैथिली के लिए देखे, ये इंडस्ट्री के लिए एक बार देखे, ये हम लोग का और प्लान है आगे। देखिए जो होता है फिर मैं आपको बताते रहूँ। अभी एस मिश्रा जी से बात हो रही थी, बहुत कुछ उन्होंने बताया, उनके बारे में क्या कहना है आपका? ये एस पी मिश्रा जी जो है, ये हमारे एक्टर नहीं है, ये हमारे जो मैथिल समाज है मुंबई में, महाराष्ट्र में रहने वाले, उनका ये अभिभावक है। हम लोग ये हमारी फिल्म में नहीं गए थे एक्चुअली काम करने के लिए, वो टाइम पे ऑलरेडी ये बिहार में थे, तो बहुत बड़े एक्टर हैं, तो हम लोगों ने इनसे रिक्वेस्ट किया, वो टाइम पे कुछ प्लान नहीं था हम लोगों को जिनको फिल्म में, अब छोटा इनका रोल जो है, जितने बड़े स्टार हैं उनके हिसाब से इनको रोल हम लोग दे नहीं सकते थे, ऐसा कहानी में था ही नहीं कुछ, फिर भी हमने रिक्वेस्ट किया, हम लोगों का रिक्वेस्ट मान के इन्होंने गेस्ट के हिसाब से काम किया। और एक दिन का हम लोगों ने काम बोला था, जो सर एक दिन आप रुक जाइए, लेकिन ये 15 दिन रुके थे वहाँ पर,